भारत की हर सड़क, हर गली मोहल्ले, शहर गांव में गूंज रहा एक ही नारा, जय श्री राम। और राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। इस सब की गूंज पाकिस्तान के कानों तक भी पहुंची है। पाकिस्तान हैरान है, पाकिस्तान परेशान है। अचानक भारत की ओर से, बॉर्डर की उस ओर से ये कैसा शोर है। आज न दिवाली है न दशहरा, पाकिस्तान इसको सुनकर बड़ा कंफ्यूज है। भारत में ये क्या हो गया? भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जय श्री राम और मोदी मोदी हो गया। कल तक जिस राम मंदिर को लेकर जो पाकिस्तान परेशान था, कह रहा था भारत के मुसलमानों के साथ हो रही ये बात गलत है, लेकिन जब उसने देखा भारत में हिंदू ही नहीं मुसलमान भी राम मंदिर को लेकर एक हैं, तो आज वो मान गया होगा। भारत ने विकास की नई परिभाषा लिख डाली है। पाकिस्तान की नज़र राम मंदिर पर तो है ही, लेकिन अब वो मस्जिद की ओर भी एक नज़र से देख रहा होगा, मान रहा होगा। अयोध्या में पीएम मोदी की सरकार ने विकास की नई परिभाषा लिख डाली है। आपको वो नज़ारा दिखाते हैं जब राम मंदिर में हुई पीएम मोदी की एंट्री। अब दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखिए, जिसमें दिख रहे हैं रामलला। देखो कितना प्यारा सजा है रामलला का दरबार। राम मंदिर और रामलला की सुंदर तस्वीरें पाकिस्तानियों के बीच चर्चाओं में हैं। मानो देखकर सोच रहे हैं भारत इतना आगे कैसे निकल गया। जिस भारत को कमजोर समझने की गलती पाकिस्तान कर रहा था, अब वो रामलला की मूर्ति देख हैरान है, माथा पकड़ रहा है, सोच रहा है भारत को विकास की चाबी किसने थमा दी। भारत विकास के रास्ते पर भारत इतना आगे कैसे निकल गया? पाकिस्तान ने कहां सोचा था, गलत फहमी में था। लेकिन रामलला और राम मंदिर की खूबसूरती देख पाकिस्तान की ये गलत फहमी दूर हो गई होगी और मान गया होगा पीएम मोदी ने भारत को विकास दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।